नहीं, अपनी मर्जी के है ये। मुझे लग रहा है भाभी अंदर जिम है, तो जिम ने जो है ना बॉडी ऐसी वहाँ अंदर ही बैठ के बना रहा है। और मुझे लगता है बाली जो पहनी तुम्हारी पहनी है, देखो गोल गोल बाली है। वो देखिए मेरी बाली। मुझे लग रहा है अभी टॉप 10 एशियन हैंडसम मैन में जिन भाई के भी नाम आए। जी तानिया क्या है तुम्हारी? अच्छा बेटा एक बात में तानिया, आपके पिटारा खुलने पहले बता दूं, ये फैमिली शो है, इसमें बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो जरा ऐसे किस्से सुनाना कि जो बच्चे सब देख सके, सब देख सके। मैं पहले ही बता दूं डिस्क्लेमर कि मेरे किस्से इतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं जितने यासिर सर और दानिश सर के हैं। अभी आपके किस्से तो बनेंगे बेटा, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, आपके किस्से तो बनने हैं अभी जिंदगी में। ये अच्छा। मुझे लगता है मेरा सबसे इंटरेस्टिंग है ये, किसी को पता है क्या है? जेलीफिश। यस, जेलीफिश। अच्छा, तो अब हम लोग थे, मेरी ग्रेजुएशन की ट्रिप थी, ठीक है, हम लोग थे स्पेन में, टेनरीफ आइलैंड्स हैं, और हमारा लास्ट डे था, ठीक है। हाँ। तो मुझे ना तैरने का बहुत शौक है, तो हम लोग बीच पे गए, ठीक है, समंदर में हम गए, 7-8 लोग हैं, चिलिंग कर रहे हैं, और उस दिन फ्लैग्स लगे हुए थे हर जगह जो हमने नहीं देखे, जहाँ लिखा हुआ था ला मेडूसा डे, बी केयरफुल। ला मेडूसा इन स्पैनिश मींस जेली फिश, तो मतलब कि समंदर में जेली फिश ज़्यादा हैं, तो आप केयरफुल रहें या ना तैरें। और हमें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि बाकी समंदर में कोई नहीं था, लेकिन मेरे और मेरे दोस्त हमने देखा ही नहीं, हमने कहा चलो हमारा लास्ट डे हम करेंगे। तो आराम से समंदर में तैर रहे हैं, मैं आसमान पर देख रही हूँ, दुआएँ मांग रही हूँ कि मुझे बहुत पीसफुल लग रहा है, अल्लाह मियाँ मेरी ज़िंदगी अच्छी बना दे, ये यू नो बिकॉज चारों तरफ समंदर है, ऊपर आसमान है, रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल फुली रिलैक्स्ड। अब दुआ खत्म हुई, सारे मेरे फ्रेंड्स बाहर निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला मैं अंदर हूँ समंदर के, सारे निकल गए। कुछ पीछे से आता है, ठीक है, मेरी बैक पे, और मुझे लगा कोई एवी कीड़ा शीड़ा होगा, ऐसे लग के ना इट जस्ट ब्रश्ड पास मी, मतलब ऐसे लगा इधर और गुजर गया, लाइक मुझे समझ नहीं आई क्या है। उसके बाद भी मैं 5-6 मिनट पानी में तैरती रही, ठीक है, फिर मुझे एकदम से ना काफ़ी वो जलन सी महसूस, क्योंकि वो सॉल्टी होता है वाटर, तो एकदम से जलन सी महसूस हुई, तो मैंने कहा मैं निकल के देखती हूँ, पता नहीं कोई क्या कीड़ा वीड़ा काट गया, ठीक है। मैं निकली, इतना बड़ा मेरी बैक पे लाल रंग का इतना बड़ा दाना, ठीक है, जेली फिश की टेंटिक मतलब नज़र आ रही है कि वो जेली फिश है, और मैंने सुना हुआ था कि जेली फिश सारी होती है पॉइजनस, तो मैंने लगा मुझे लगा मैं मर जाऊँ क्योंकि इतनी दर्द। अच्छा मेरी दोस्त, मैंने कहा ज़रा देखो क्या है, ठीक है, और उसने पीछे पिक्चर लेके, क्योंकि बैक पे था मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तस्वीर लेके मुझे दिखाई, और मैंने कहा मैं तो गई, क्योंकि उसी दिन हमारी फ्लाइट वापसी की थी। मैंने मामा को कॉल किया, रोने लग गई मैं। अच्छा फिर मेरी दोस्त मुझे लेके गई, और अच्छा मेरे पैसे भी अब कम, और वहाँ मेडिकल केयर इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो फिर वही टोट का ही काम आया, फिर मुझे लग रहा है मेडिकल केयर भी एक्सपेंसिव। नहीं तो गए उन्होंने, मुझे पता नहीं कोई बताया 150 यूरो का टेस्ट है, ये है वो है, तो मैंने कहा मैं तो नहीं करा सकती, मुझे नहीं पता। तो खैर फिर हम फार्मेसी गए, दवाई वगैरह ली, फिर मैंने वो नहीं किया, दवाई लगाई, मैनेज कर लिया, लेकिन उसका मुझे लगता है अभी तक कहीं ना कहीं निशान है जेली फिश का, क्योंकि अच्छा बचत हो गई ना, बचत हो गई। भाभी मुझे भी एक दफा जेली फिश लग गई थी, वो हुआ ये कि बच्चे स्विमिंग कर रहे थे कराची में, उनको लगी, हाँ, और वो बच्चे साएं साएं कर रहे हैं, ये जेलीफिश पिंक कलर की थी हमारी, इसकी तो बड़ी अंगारे वाली है। तो मैं समंदर में उतर गया, मैंने बोला बच्चों को काटती हो जेलीफिश, अगर हिम्मत है तो मुझे, यूं करते हुए जा रहा हूँ मैं, मस्ती कर रहा हूँ, हाँ। अचानक आगे लगी, उड़े, लेकिन वो कहते हैं पेस्ट लगाना चाहिए, और मट्टी के अंदर में हाथ डाल के बैठा रहा। अच्छा, ऐसी गंदी जलन होती है। हाँ, बहुत जलन। प्याज लगा दो, ये भी टूटता है। प्याज हो सकता नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो वो इतनी बड़ी बड़ी बॉक्स जेलीफिश होती है, वो असल में पॉइजनस। ये तो थोड़ी छोटी थी तो इतना नहीं हुआ, लेकिन पूरा दिन फिर मेरी फ्रेंड ने क्रीम वगैरह लगाई, अमोनिया से बेसिकली उसका होता है, तो अमोनिया लगाई पट्टी की, निशान रहेगा, निशान तो है, दिल पे है। अच्छा ये है, मुझे बेसिकली मेरे दांत बहुत टेढ़े होते थे, like अच्छा। अभी भी थोड़े बड़े हैं ये दो आगे वाले, अच्छे लग रहे हैं। तो वो होते थे बनी रैबिट टाइप, तो सारे मेरा काफी मजाक उड़ाते थे, तो फिर काफी बड़े थे, काफी आगे तक और टेढ़े भी थे ना, अच्छा। तो बड़े भी और टेढ़े भी, हाँ। तो मुझे फिर काफी मेरे हर कोई मजाक उड़ाता था, तो मुझे ब्रेसेस फिर लगे, अच्छा। कोई 6 साल मुझे लगे रहे, तो 10 साल की उम्र में लगे, और मेरी 16th बर्थडे से पहले मैंने कहा अब तो मैं 16 साल की हो रही हूँ, ये उतरेंगे बर्थडे से पहले, हाँ। लेकिन 6 साल लगे रहे। तो खैर बीच में ना एक नया ट्रेंड आया था कलर्ड ब्रेसेस का, तो ग्रीन, पिंक, पर्पल, और मुझे बहुत शौक हो गया कि मैं कलर्ड ब्रेसेस कराऊँ।
तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा तुमने हर कलर किया है, तुम येलो करो, येलो ब्रेसेस. और मैंने कहा येलो अजीब लगेगा मैंने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुमने हर कलर अगर ट्राई किया है तो ट्राई करो, तुम्हें सूट करेगा. मैंने येलो ब्रेसेस कराए, ठीक है. हफ्ते बाद था हमारा पेरेंट्स डे, ठीक है. पेरेंट्स डे में ऑब्वियसली मतलब इतना मेरा अच्छा रोल डांसिंग सिंगिंग मैं, ठीक है, पेरेंट्स डे पे मैं परफॉर्म किया पूरा वक्त, मतलब स्माइलिंग ये. और बाद में मुझे लाइक काफ़ी लोगों ने बोला तुम्हारे पीले दांत हैं, इतने पीले दांत हैं, तुम दांत नहीं ब्रश करती. इतना मुझे उन्होंने तंग किया कि पीले दांत हैं, तुम दांत नहीं ब्रश करती, ये है वो है. और क्योंकि वो प्रॉपर पीले गंदे वाले ब्रेसेस. तो बाद में मैंने फोटो देखी, मैंने देखा, मैंने कहा वाकई तो इतने असल में जितने पीले हैं उससे भी ज़्यादा लग रहे हैं कुछ फोटोज़ वगैरह में, लाइट्स में. तो फिर मैंने मामा को बोला, मैंने कहा आप तो मुझे बता सकती थी. मैं भी यही बोलने वाला था कि यार मामा नहीं थी क्या? बताया नहीं मुझे कि क्या है ये वो. उन्होंने कहा तुम्हें शौक चढ़ा हुआ था, सही है, इतना खराब नहीं लगा. मैंने कहा मेरा सबने इतना मजाक उड़ाया, स्पॉटलाइट में पीले दांत लग रहे हैं मेरे अभी तक मुझे उस बात की. उसके बाद मैंने कभी कलर ब्रेसेस नहीं लगाए. फिर वो ट्रांसपेरेंट वाले वो भी खैर कोई अजीब ही थे, लेकिन हाँ.